हेलो दोस्तों, शिवजवार हम पहुंच चुके हैं सोनघाट अमरकंटक। और गाड़ी से पास में देख सकते हैं बंदर, बंदरों का यहाँ मजमा लगा हुआ है। तरह तरह से खेल देखे बंदरों का नज़ारा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू बने रही, आगे और भी दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम सोनघाट उतर चुके हैं और जा रहे हैं घाटी की ओर। तो कंटिन्यू बने रही दोस्तों, और भी आगे दिखाते हैं। काय गलाना है नहीं तो काय यहाँ लुप्त हो गई हैं, नीचे नहीं गई हैं। यहाँ से फिर वहाँ कहीं नहीं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी सोन नदी, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा सोनघाट अमरकंटक का नज़ारा। बहुत मस्त है लोकेशन, और ऊपर से देखने पे बहुत से गांव यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यही सब देखने के लिए लोग यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में आते हैं। देख सकते हैं पहाड़ियाँ, जैसे कहते हैं सुबह के टाइम यहाँ जब सूरज उगता है तो बहुत मस्त नज़ारा रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे दिखा। वहाँ को तालाब से देख, अरे वो नदी चौड़ी हुई हुई है क्या भैया? अच्छा, सूर्योदय यहीं से ना भैया? अच्छा, सबसे पहले इसी को देखो। अपन बहुत ऊपर है, जब सूर्य निकलता होगा तो और कुछ नजर आता है। हाँ, यही से कह रात में चलें।
सोनघाट दोस्तों, यह वो जगह है जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है। ये सोन नदी उद्गम स्थान है। कुछ इस स्थान पे कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं दोस्तों। ऊपर की ओर कुंड है, नीचे जो गाय का मुख है। ये राम मंदिर का प्रांगण, यहाँ शंकर जी की मूर्ति स्थापित, जो लाइट के साथ लोकेशन बढ़िया दिख रहा है दोस्त। और भी अन्य मंदिर है, मंदिरों में लेना तो
अच्छा ये आप लिखा जैसे भैया फोटो खींचे सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा माई की बगिया कह रहे थे, पर यहाँ तो मंदिर ही दिख रहा है, भाई की बगिया तो दिखी नहीं। पता नहीं ये बगिया है कि मंदिर मंदिर दिख रहा, वैसे तो देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों यहाँ से पानी गिरना प्रारंभ हो गया है, हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं और देखते हैं आगे शुरू बरसात में।